2019 के चुनावों की आचार संहिता लगने से पूर्व ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी महाराष्ट्र युवा मोर्चा की नई कार्यकारिणी गठित कर दी है, जिसमें अमरावती शहर से बीते 2009 से भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी सेवाएं दे रही शिल्पा चौधरी पाचघरे को भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र इकाई में युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष पद दिया गया है। इसके पहले शिल्पा चौधरी पाचघरे भारतीय जनता पार्टी महिला ग्रामीण अध्यक्ष व ग्रामीण सरचिटनीस रह चुकी हैं। उन्होंने अलग अलग पदों पर रहकर काफी लंबे समय तक पार्टी की सेवाएं की है। इसी के चलते चुनाव पूर्व पार्टी ने उन्हें युवा मोर्चा की बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा है। महिला दिवस के अवसर पर शिल्पा पाचघरे को मिली इस जिम्मेदारी के बारे में VCN न्यूज ने उनसे कुछ संक्षिप्त बात की। शिल्पा मैम, आप महाराष्ट्र युवा मोर्चा की उपाध्यक्ष बनी हो। हाँ। इसके लिए सबसे पहले आपको विदर्भ VCN न्यूज की तरफ से शुभकामनाएं। धन्यवाद। इसके बाद आप सबसे पहले आपकी पार्टी ने आपको जो सम्मान दिया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं सब पार्टी वालों का सबका धन्यवाद करती हूँ। यहाँ के अमरावती के शहर अध्यक्ष हमारे जैन जी डेहनकर, प्रवीण जी पोटे, हमारे पालक मंत्री सुनील जी देशमुख आमदार है, और जो युवा मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष है योगेश जी टिड़ेकर, मैं सबको धन्यवाद देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, जो जवाब यानी जो जो पार्टी ने जो जो जवाबदारी अभी तक दी है, मैंने वो तो पूरी तरह से की है। अभी भी युवाओं यानी कैसे युवा वर्ग को जो है वो मार्गदर्शन की आवश्यकता है, उनको मार्गदर्शन करूँगी और उनके लिए जो भी सुविधा है यानी उनके उनके जो एजुकेशन के हो, किसी भी यानी उनको मदद हो, तो मैं उसमें उनको पूरी मदद करूँगी। मैं तो सर्वप्रथम यानी महिला दिन के अवसर पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन के अवसर पर सब महिलाओं को शुभेच्छा देती हूँ। और कैसे महिलाओं के जो भी कुछ आरोग्य हैं, अभी तक मैंने भी बहुत सारे शिविर लिए हैं, आरोग्य शिविर लिए हैं, उनके जो भी कुछ प्रोग्राम रहते हैं सोशल नेटवर्क सब में हम लोग एक्टिव रहते हैं, और पार्टी ने जो जो अभी तक प्रोग्राम दिए हम लोग करते ही है। और कैसे अभी तो इलेक्शन भी है ऐसे में, और पार्टी में नए नए सब नियुक्ति हो गई है, इसलिए कैसे जो भी हम लोग यानी शासन की जो भी यानी जो सुविधा उन्होंने जो जो यानी जो जो लाभार्थी है उनके घर तक आखिरी लोग इंसान जो है उनके घर तक पहुँचे हैं सरकार का जो काम है, तो वो सब हम पार्टी के यानी पार्टी के वो आभार मानती हूँ कि सच में उन्होंने यानी कैसे गरीबों का सबका विकास किया है, सबको योजना मिली है, और लाभार्थी बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लाभार्थी हैं। और कैसे मैं सब जो भी महिला है यानी महिला कैसे सब क्षेत्र में अभी महिला विकसित हुई है, यानी अगर हम बोले कि यानी कैसे अगर ऐसा सोचेंगे कि समाज में अगर एजुकेटेड महिला देखे तो वो सब है, लेकिन कुछ साधारण महिला उसके ऊपर भी कुछ अन्याय हो ही रहा है। हम पूरी तरह से कैसे उसका अन्याय जब पूरी तरह से मिटेगा, पूरी तरह से दूर होगा, तभी हम ये कह सकते हैं कि नहीं, महिला अभी सक्षम हुई है। अभी भी कुछ यानी महिला है कि जिन पर अन्याय है, तो हम लोग पूरी तरह से उनके यानी उन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। इस बातचीत में शिल्पा पाचघरे ने VCN न्यूज द्वारा पूछे गए सभी सवालों का शालीनता से जवाब दिया, लेकिन जब VCN न्यूज रिपोर्टर ने उनसे यह सवाल पूछा कि आपकी नियुक्ति के बाद अमरावती जिला में कई ऐसे लोग थे जो युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष पद की नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आपकी नियुक्ति से उन्हें निराशा हाथ लगी है, इस सवाल के जवाब में बड़ी ही कर्मठता से शिल्पा पाचघरे ने कहा कि यह राजनीति है, इसमें हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता, कहीं खुशी कहीं गम का माहौल लगा रहता है। उनके जवाब से दबे लहजे में ऐसा ही कुछ समझ आया। नहीं यहाँ कैसे ये पॉलिटिकल में चलता ही रहता है यानी कैसे वो तो नहीं है। अभी कैसे हमारे अध्यक्ष जी सब ने यानी नाम सब यानी ये लोग देते हैं और ऊपर से नियुक्ति होती है, और कैसे हम लोग जो पार्टी में अभी महिला यानी महिला मैं 2009 से यानी इसमें काम कर रही हूँ, अभी तक मैं ग्रामीण सरचिटनीस में रह चुकी हूँ महिला, और ग्रामीण उपाध्यक्ष रह चुकी हूँ, सब यानी जो जो पार्टी ने जो जो कार्यक्रम दिए हम सब किए हैं, वो पार्टी को यानी पार्टी ने जो सम्मान दिया उसका मैं आदर करती हूँ। चलिए, आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं। बिल्कुल, धन्यवाद सर।